Study perfect knowledge is power. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर स्टडी परफेक्ट। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे राजस्थान करंट अफेयर। ये हमारे सीरीज़ का पहला सीरीज होगी दोस्तों, जिससे आपको आने वाले एग्ज़ाम में मदद मिल सके। इसमें दोस्तों राजस्थान पटवारी 2019 फर्स्ट ग्रेड और लैब असिस्टेंट के लिए भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों वीडियो पूरा देखिए, इसमें हम सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर लेंगे और उन करंट अफेयर के साथ में कोई महत्वपूर्ण तथ्य होंगे वो भी हमको आपके साथ चर्चा करेंगे। अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। अगर आपको कोई जॉब से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो हमारा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला बॉन्ड बैंक कहाँ बनाया जा रहा है? राजस्थान में पहला बॉन्ड बैंक दोस्तों कोटा में बनाया जा रहा है। कोटा मेडिकल कॉलेज, इसमें पहला होगा दोस्तों, ये होगा राजस्थान का प्रथम, ये आपको याद रखना है। ये होगा राजस्थान का प्रथम और भारत का दूसरा। अब जान लेते हैं भारत का पहला कौन सा है, दूसरा ये है। तो पहला है दोस्तों नई दिल्ली में, मैं हॉस्पिटल का नाम लिख देता हूँ दोस्तों, सफदरजंग, ये एक हॉस्पिटल है दोस्तों दिल्ली में आता है। तो पहला इसको मिला है और दूसरा कोटा राजस्थान का, तो राजस्थान का प्रथम ये हो गया। अब जान लेते हैं ये बॉन्ड बैंक होता क्या है दोस्तों। दोस्तों बॉन्ड बैंक डोनर द्वारा, कोई भी इंसान अपना डोनर अस्थि को डोनर करता है या ऑपरेशन द्वारा निकाली जाने वाली हड्डियाँ अस्थियाँ, तो उसको सेव रखा जाता है एक बैंक के अंदर। अब वो कितने डिग्री में रहता है दोस्तों, ये आपको याद होना चाहिए, 40 डिग्री से लगाकर 70 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, जिससे हड्डियाँ ख़राब ना होएं। ये काम का आती है दोस्तों, कभी भी ब्रेन ट्यूमर होता है ब्रेन को भरने के लिए, खोपड़ी को भरने के लिए ये बोन काम आता है, जिससे यह बोन ख़राब नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का पहला वैक्स म्यूज़ियम कहाँ बनाया गया है? दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, राजस्थान का पहला वो है जयपुर। जयपुर राजस्थान की राजधानी में है दोस्तों, यहाँ पर वैक्स म्यूजियम है। अब आपको पता होना चाहिए वैक्स म्यूजियम होता क्या है। दोस्तों वैक्स म्यूजियम जहाँ पर महान महान हस्तियाँ होती है उनका मोम का पुतला बनाया जाता है, उसकी आकृति के सेम बनाया जाता है दोस्तों। अब ये जयपुर भी आपको पता होना चाहिए कहाँ पर ये है, नाहरगढ़ जो किला है उसके अंदर ये रखा गया, एक संग्रहालय है दोस्तों म्यूज़ियम, जहाँ बड़ी बड़ी हस्तियों के मोम के पुतले बनाए जाते हैं, वहाँ पर ये टूरिज्म के लिए खुला है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, राजस्थान की किस झील को प्रदेश की वेटलैंड क्षेत्र का घोषित किया गया है दोस्तों? ये दोस्तों है उदय सागर झील। दोस्तों उदय सागर झील आता है उदयपुर में, और आपको ये पता होना चाहिए अन्ना सागर झील ये आती है दोस्तों अजमेर में। लास्ट है दोस्तों मोती झील आती है दोस्तों भरतपुर में दोस्तों मोती झील आती है दोस्तों। अब आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों, ये वेटलैंड क्षेत्र क्या होता है, ये पर्यावरण का है दोस्तों, ऐसी भूमि जो आर्द्र हो जहाँ नमी हो, जो भूमि चारों में हरियाली होगी और वहाँ की जो भूमि होगी वो ज़्यादा आर्द्र होगी, नमीदार होगी, गीली होगी, उसे कहते हैं दोस्तों। इस प्रश्न में इतना काफ़ी है दोस्तों, पढ़ते हैं नेक्स्ट। दोस्तों ये बेस्ट सीरीज चल रही है हमारी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की किस झील को दुनिया का पहला सॉल्ट टूरिज्म बनाया गया है? सॉल्ट टूरिज्म बनाया गया है दोस्तों, जिसने बाहर के लोग आके यहाँ के चीज़ों को देख सकते हैं, वो है दोस्तों वह सांभर झील। आपको पता होना चाहिए सांभर झील कहाँ आती है दोस्तों, ये आती है जयपुर के इलाके में, यह है नागौर दोस्तों, और नागौर यह जयपुर के इसी इलाके सांभर झील है। यहाँ से दोस्तों आपको पता होना चाहिए 90% नमक यहाँ का उत्पादन होता है, 90% यहाँ का उत्पादन होता है। बाकी डीडवाना
डीडवा नागौर में आती है दोस्तों। इस क्वेश्चन में आपके लिए इतना काफ़ी है दोस्तों। अब आपको एक और बात बता दें दोस्तों, सांभर झील के नाम यहाँ का जो चौहान है, यहाँ चौहानों की देवी है, वो है शाकंभरी। शाकंभरी देवी चौहानों की देवी है दोस्तों, जो यहाँ के वो आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, नाहरगढ़ का बायोलॉजिकल पार्क का शुभारंभ किस शहर में हुआ था दोस्तों? ये हुआ था जयपुर। जयपुर के दोस्तों नाहरगढ़ जो किला है, उसमें इस बायोलॉजिकल पार्क को हुआ है। और दोस्तों जोधपुर में माचिया पार्क है, माचिया पार्क जो सब बहुत बड़ा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस स्थान पर देश का पहला जैविक खेती अनुसंधान केंद्र खोला जाएगा? पहला दोस्तों जैविक खेती, ये क्या होता है दोस्तों? जैविक खेती वो होता है जिसमें फसलों का आम उपयोगी किया जाता है, जिससे फसलों को ज़्यादा नुकसान नहीं हो जाए, ज़्यादा कीटनाशक जैविक खाद, मतलब आजकल कीटनाशकों को मारने के लिए बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ किया जाता है, जिससे फसलों पर भी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और जो उससे फसलों से होने वाले उत्पादन धान को भी ज़्यादा नुकसान होता है, और फिर हम खाते हैं तो उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए ना जैविक खेती का किया गया है, जिसे हम कीटनाशकों को मार सकते हैं और उर्वरक ज़्यादा कर सकते हैं दोस्तों। ये इसमें किसानों को ज़्यादा बेनिफिट होगा, फसलें बर्बाद नहीं होगी और किसानों को उचित मूल्य मिलेगा और हमको खाने में भी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, राजस्थान का ये जैविक खेती अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला गया, वो है दोस्तों झालावाड़ में। दोस्तों झालावाड़ में खोला गया है। अब दोस्तों आपसे ये पूछ ले गए, पहला ये दोस्तों तीसरा है दोस्तों, ये तीसरा। अब पहला कौन सा है दोस्तों? वो पहला है डूंगरपुर। डूंगरपुर में पहला पहला खोला गया था। अब बात की जाए भारत की, भारत में दोस्तों जैविक खेती अनुसंधान अभी हाल ही में पूछा गया एग्ज़ाम में, कहाँ पर है दोस्तों? वो है अपना सिक्किम में। सिक्किम भारत का पहला राज्य बन गया है जहाँ जैविक खेती को अनुसंधान को अपनाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, देश का पहला सामुदायिक मदर मिल्क बैंक कहाँ खोला जाएगा? ये दोस्तों अब इसका दोस्तों समझते हैं, सामुदायिक मदर मिल्क बैंक कहाँ खोला जाएगा, इसका ये मतलब होता है जो नवजात शिशु होते हैं उनको माता माताओं का दूध मात्रा में प्राप्त नहीं होता है, या किन माता बहनों का दूध जो बच्चों के लायक नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए राजस्थान सरकार ने एक आईम चलाई है जिसमें नवजात बच्चों को दूध की कमी नहीं होगी। तो ये केंद्र दोस्तों कहाँ खोला गया है? ये दोस्तों खोला गया है भरतपुर में। भरतपुर में ये केंद्र खोला गया है। अब राजस्थान सरकार ने ऐसे 10 केंद्रों खोलने की चर्चा की गई है। 10 केंद्र आपको पता होने चाहिए दोस्तों, चित्तौड़गढ़, बूंदी, बारा, टोंक, अलवर, चूरू, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, ये आदि क्षेत्रों में खोले जाना है, जिसमें से पहला क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? वो है भरतपुर, जिसमें से अस्पताल में निःशुल्क दूध उत्पादन करवाया जाएगा। दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको अगर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। दोस्तों 8वां क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला वाईफाई गांव कौन सा होगा? देश का पहला जो वाईफाई फ्री गांव होगा, पूरा पूरा गांव वाईफाई से लैस हो गया, वो है दोस्तों भिनाई। अब दोस्तों भिनाई आपको पता होना चाहिए, वो आता है दोस्तों अजमेर में। भिनाई आता है दोस्तों अजमेर में। ये दोस्तों छोटे छोटे गांव हैं, अक्सर पूछे जाते हैं कि कहाँ किस एरिया में होते हैं, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। बस्सी, बस्सी आता है दोस्तों जयपुर में, और आता है ये भाडरज, ये आता है दोस्तों डोसा में। और दोस्तों आपको बास को बताना है हमारे कमेंट बॉक्स में, ये कहाँ आता है दोस्तों। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दोस्तों देश का कौन सा राज्य ई कैबिनेट बनाने वाला दूसरा राज्य होगा? दोस्तों उसने क्या बोला? ई कैबिनेट बनाने वाला दूसरा राज्य होगा, वह है दोस्तों अपना राजस्थान। राजस्थान देश का ई कैबिनेट बनाने वाला दूसरा राज्य बन गया है। तब आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा, पहला कौन सा है दोस्तों? पहला है दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश
भारत का पहला राज्य है जो ई कैबिनेट बनाने वाला राज्य हो गया है, अब दूसरा राजस्थान हो गया है दोस्तों। ये अब दोनों का आपको पता होना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों अभी हाल ही में आपको पता होगा जो चुनाव हुए जिसमें से हमारे मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, वो है हमारे सीएम है अशोक गहलोत, अशोक गहलोत जी, और उप सीएम बनाया गया है सचिन पायलट जी को। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, एनएचपीसी ने राज्य के किस जिले में अपनी पहली पवन ऊर्जा, दोस्तों बात की गई पवन ऊर्जा की शुरुआत की गई है दोस्तों, ये की गई है जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर के अंदर की गई है दोस्तों। अब आपको ये पता होना चाहिए ये जो पवन ऊर्जा है कितना मेगावाट की गई है जैसलमेर के अंदर ही, ये है दोस्तों अपने 50 मेगावाट। तो सब जान लेते हैं एनपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, ये होती है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर कॉरपोरेशन। दोस्तों ये कंपनी ऐसी कंपनी है जो पूरे भारत में पवन ऊर्जा परियोजना का सप्लाई करती है, बनवाती है दोस्तों। अभी तक पूरे भारत में 22 ऐसी परियोजना हो चुकी है, मतलब 22 राज्यों में हो चुकी है और राजस्थान में होता है 50। दोस्तों आपको ये भी बताना चाहिए सबसे ज़्यादा मेगावाट कहाँ किस क्षेत्र में होता है दोस्तों, वो है तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों, वो है 690 मेगावाट, 690 मेगावाट। अभी आपको ये भी बताना चाहिए दोस्तों ये किस जगह होता है, जैसे हमारे राजस्थान में होता है तो उनके जम्मू कश्मीर में कहाँ होता है, सलाल में होता है, सलाल में होता है दोस्तों। दोस्तों ये थे सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और दोस्तों आज आज का लास्ट सवाल है दोस्तों जो आपके लिए, जो आपको हमारे कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। इसमें क्वेश्चन ये है कि राजस्थान का पहला वुमेन स्टेशन कहाँ खोला गया है, आपको दोस्तों ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना पड़ेगा कहाँ है। सर दोस्तों ये तो हो गया हमारे टॉप करंट अफेयर, हम मिलते हैं हम नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक के लिए टेक केयर। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, हम पटवारी का नया बैच लाने वाले हैं, ये उसका पहली सीरीज थी दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।